रक्षाबंधन के त्यौहार पर रोडवेज बसों में सरकार ने महिलाओं को फ्री में सफर करने का तोहफा दिया है। फिर भी आईएसबीटी पर यात्रियों का टोटा रहा। विभाग के अधिकारियों ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था की, इसके बावजूद भी बहनों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री सफर करने का तोहफा दिया है, लेकिन आईएसबीटी पर महिलाओं को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एटा फरीदाबाद जाने वाली बहनों को बस का इंतजार ही नहीं करना पड़ा, बल्कि बस स्टैंड से हाईवे और हाईवे से आईएसबीटी परिसर के कई चक्कर लगाने पड़े, फिर भी फरीदाबाद जाने के लिए कोई बस नहीं मिली। इसी तरह एटा जाने वाली महिलाओं को इंतजार करना पड़ा। महिला यात्री मुन्नी देवी का कहना था कि फरीदाबाद जाने के लिए सुबह 9 बजे से आईएसबीटी पर इधर से उधर भटक रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार ने फ्री में सफर करने के आदेश दिए हैं, लेकिन बस ही नहीं मिल रही। हरियाणा जाने वाली बस में परिचालक किराया मांग रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? एटा जाना है। कितने देर से खड़ी हुई है? हो गया आधा घंटा सा। रक्षाबंधन का त्यौहार है, बसों की व्यवस्था की गई है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? क्या बस का इंतजाम नहीं है यहाँ पर? पता नहीं, इंतजाम ही नहीं है, नहीं इतनी देर में खड़ा ही नहीं होना पता। आपको यहाँ गर्मी भी है और आपको पहुँचना भी है, तो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही आपको यहाँ पर? दिख रही ना कोई व्यवस्था। कहाँ जा रहे हैं आप? फरीदाबाद। तो कब से इंतजार कर रहे हैं? 9 बजे से। तो क्या व्यवस्था है? तो यूपी वाली बस ही ना मिली, हरियाणा वाली पैसे फ्री सेवा का बात की, 2 दिन के लिए फ्री सेवा है, कहाँ मिल रहा है? कुछ ना मिल रहा है। आपको कितनी दिक्कत हो रही है? परेशानी हो रही है, और क्या, बाहर भी खड़े रहे, बाहर से अंदर आ गए, अब क्या करना चाहिए? अब मोदी कहते हैं फ्री सेवा है 2 दिन के लिए, तो कहाँ से फ्री सेवा है? लेडीजों के लिए कुछ फायदा ना मिल रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ होनी चाहिए, लेकिन आईएसबीटी पर यात्रियों का टोटा रहा। बस स्टैंड पर गिने चुने यात्री बस में सफर करते दिखाई दिए। एआरएम जयकरण प्रसाद का कहना था कि सुबह यात्रियों की भीड़ रही, लेकिन उसके बाद बस स्टैंड पर कम यात्री दिखाई दिए। बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिस रूट पर अधिक यात्री हैं उसी रूट पर बस भेजी जा रही है। त्योहार पर साधारण के साथ एसी बस में भी महिलाओं को फ्री में यात्रा करने का मौका मिला है। यात्री सुबह की बेला में यात्री ज़्यादा निकले हैं, तो बसें को उसी हिसाब से जहाँ के यात्री थे उनको ध्यान में रखते हुए उनको भिजवा दिया गया है, और जो इक्के दुक्के यात्री और भी आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके और व्यवस्था करके उनको भी उनके गंतव्य स्थान तक भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। हमारे डिपो में 113 बसें हैं, तो लगभग पूरी बसें संचालित होने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से लेकर के हमारी 55 बसें निकल चुकी हैं, और बसों में काम हो रहा है, वो चेक करा करके वो भी कारशाला से बाहर करवा दे रहे हैं। बाकी बसें मैदान में चलनी हुई हैं, उनको हम देख रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद के लिए बसें हम दिल्ली के लिए काले खां भिजवा रहे हैं। गुड़गांव तो हमारा रूट नहीं है, गुड़गांव तो गुड़गांव हरियाणा वाली ही गाड़ियाँ जाएंगी, और जो भी परमिट वाली गाड़ियाँ हैं जो आ रही हैं वो उनको भी वहाँ तक भेजा जा रहा है। फरीदाबाद जाने वाली यात्री दिल्ली तक यूपी रोडवेज बस में यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली तक महिला पुरुषों को जाने के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। त्योहार पर महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।